देखो गुरु, एंटी हीरो बोलो या नेगेटिव हीरो, ये फॉर्मूला हर बार चल ही जाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। मूवी के हीरो बोलो या एंटागोनिस्ट या प्रोटैगोनिस्ट, जो मेन हीरो ही होता है आखिर में, उसके कैरेक्टर में डिफरेंट फ्लॉज ही होते हैं, जैसे कि एक आम इंसान में ही होते हैं। पर मूवी के हीरो को लार्जर देन लाइफ में प्रेजेंट करते हैं, तभी तो देखने में मजा आता है। हाल ही में दो मूवी रिलीज हुई है, दोनों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया है। पुष्पा और KGF 2 ने ये दोनों मूवीज के हीरो को एक एंटी हीरो में प्रेजेंट किया था। एंटी हीरो भी वही होता है जो दिल से और कितना भी अच्छा काम तो वो गलत ही कर रहा है, सोसाइटी के नजरिए से हो या पूरे प्रशासन के नजरिए से, पर फिर भी वो कैरेक्टर पब्लिक के दिल पर राज ही करता है। पर क्यों, इसकी डिटेल में थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। प्लीज वीडियो में बने रहना, थोड़ा और इंटरेस्ट बनाए रखना। मेन हीरो का बचपन कैसा रहा हो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं उसकी बैक स्टोरी की बात करता हूँ। जैसे कि पुष्पा भाव को ही ले लो, उसके बचपन में सभी ने उसको और उसकी माँ को परेशान किया था, उसके सौतेले भाई ने भी उसकी बेइज्जती की और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेम ऐसा ही रॉकी भाई के साथ भी हुआ था, अपने बचपन के दिन ऐसे ही गुजारने पड़े थे गरीबी में, सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और वो उसके खिलाफ, और सभी ने उसको झुकाने की कोशिश की पर सभी को उसने अपने तरीके से झुका दिया। इमोशनल बैक स्टोरी या मजबूरी में गुजारे हुए बचपन से ऑडियंस के दिल में एक अलग ही कनेक्शन फील कराती है, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में मजबूरी फेस करनी पड़ती है। दिल के अच्छे ये कैरेक्टर भले दुश्मन को पछाड़ देते हो, पर उसके पास भी एक छोटा दिल होता है। वो लोग दिल के अच्छे होते हैं, मजबूर लोगों की मदद करते हैं और हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने से पीछे भी नहीं हटते, क्योंकि उनको भी पता होता है उन्होंने भी बचपन में जो मजबूरी में दिन निकाले हैं वो दूसरों को ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए वो हेल्प करने में आगे ही रहते हैं, छोटे बच्चों और लेडीज को भी परेशान नहीं करते, और यही क्वालिटीज उनको हीरो बनाती है और पब्लिक को पसंद भी आती है। पुष्पा भी अपने बाकी लोगों की मदद करता है और रॉकी तो गरुड़ा को मारने के बाद उन लोगों का भगवान ही बन गया है। इमोशनल रिलेशन, देखो हमारे हीरो उसके दुश्मनों के साथ कैसा भी बर्ताव करे पर उसका भी एक इमोशनल रिलेशन रहता है। उसको अपने करीबी लोगों के साथ, जैसे कि पुष्पा को उस माँ की बेइज्जती पुष्पा सहन नहीं कर सकता, या फिर उसके प्यार श्रीवली को दुश्मनों से बचा कर लेके आता है। और अपना रॉकी भाई तो सेम ऐसा ही है, उसकी माँ के सपने को पूरा करता है दुनिया जीतने का, और अपनी हीरोइन को खुद ही अपने पास लेके जाता है। उसको पता होता है कि विलन लोग रीना को किडनैप कर लेंगे और शायद से इसके चलते KGF को भी छोड़ना पड़े। स्टाइल एंड स्वैग, देखो KGF में रॉकी का एक अलग ही स्वैग था, चाहे वो डायलॉग बोलने का स्टाइल हो या उसका लुक, उससे वो एक प्रॉपर गैंगस्टर भी लगता है। मेन तो मूवी में मेन कैरेक्टर कैसे स्टाइल से बोलता है, रिएक्ट करता है, वो देखकर भी ऑडियंस को पसंद आता है। पुष्पा भाव भी एक छोटे गांव से आया है पर फिर भी उसका स्वैग कम नहीं है, वो विलन के घर में घुसकर भी समझा के आता है और उसका स्वैग और उसका लुक अलग ही था, और ये दोनों कैरेक्टर प्रॉपर वे में ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं। सो गाइज, ये सब क्वालिटी भी मैटर करती है एंटी विलन हीरो या मेन हीरो को, जो ऑडियंस को पसंद आता है। और दोनों कैरेक्टर को माँ का प्यार ही मिला और वहीं बाप का प्यार नहीं मिला, और दोनों को अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान बहुत है। एक अपनी माँ के कहने पर दुनिया जीतने निकल पड़ा और वहीं पुष्पा अपनी माँ के सम्मान के लिए पैसा वाला बन गया। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।